हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासमीन परवीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यासमीन फूड। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे कच्चा आलू बोलते हैं। ये देखिए, मैंने लगभग 15 से 20 आलू हैं, मैंने उसको बॉयल करके अच्छे से स्किन उसकी निकाल लिया, उसको साफ़ कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कच्चे आलू की रेसिपी बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने 5 से 6 सूखी वाली लाल मिर्च ली है और भर के 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। ये जो इस जीरे को मैं भूनूंगी और 1 कटोरी में दही ली हूँ। ये देखिए, मेरे हाई फ्लेम पे ये जो नॉर्मली तवा है, मैं इसी पे भूनूंगी और बहुत ही अच्छे से। देखिए, मैं दोनों को साथ में डालती हूँ और भूनती हूँ। देख सकते हैं कि मैं आप कैसे भून ली हूँ। ऐसे चमचे से मैं चलाती रहूँगी और इसको भून लूँगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने सबको, सारे मिर्चों को भून लिया है और जीरा को भी भून लिया है। और ये देख सकते हैं, मैं आलू को ऐसे ऐसे स्लाइसेस में मैं काट ली हूँ, 2 से 3 की हूँ। एक आलू में ऐसे काट ली हूँ बारीकी से, और मैं फिर इसको दिखाती हूँ आपको कैसे पीसना है और कैसे डालना है। और ये आप देख सकते हैं, मैं इसको नॉर्मली ये चौकी बेलना है जो जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं, मैं इसको इसी से ऐसे मसल लूँगी और इसका पाउडर बनाऊँगी। आप लोग चाहे तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी है लगता है और शाम के वक्त तो और भी अच्छा लगता है। देखिए, जीरा बहुत अच्छे से भून, इसका पाउडर फॉर्म में बन गया है और मिर्चा बाकी है वो भी हो ही जाएगा, मैं दिखा दूंगी आपको। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि नमक डाल कर पीसने से बहुत ही जल्दी कुचा जाता है, पिसा जाता है, मैं भूल गई थी, मैं अभी मिला दी हूँ इसको। अब मैं फिर से आपको पीस के दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरा बारीक नहीं हो रहा था, अब बहुत ही बारीक हो जाएगा, आप देख सकते हैं बारीक हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी। देख सकते हैं, पहले से बारीक हो गया, और भी बारीक हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बारीक पाउडर बन गया। देखिए, मुझे थोड़ा और बारीक पाउडर चाहिए था, तो मैंने थोड़ा और बारीक कर लिया। ये मेरा पूरा पाउडर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, मैं अब इसको यूज़ करूँगी उसमें। थैंक यू। ये देखिए, मैं ये दही को ट्रांसपोर्ट कर ली हूँ ऐसे प्लेट में, और मैं इसको इसमें थोड़ा एक कटोरा मैं पानी इसमें ऐड की हूँ उसी कटोरा से, और मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। मैं इसको एकदम बारीकी से कर लूँगी। और ये देखिए, मैं ये थोड़ा हो गया है, तो मैं इसमें अब ये मैं इसको भी ट्रांसपोर्ट कर ली हूँ एक बड़े से भगोने में। मैं इसमें भी ये वाला पाउडर फॉर्म जो मैं बनाई हूँ उसको ऐड कर रही हूँ। और ये मैं दही वाला जो बनाई हूँ, पानी वाला दही, मैं इसको भी ऐड करूँगी। देख सकते हैं आप, अब मैंने नमक पहले ही ऐड कर लिया था तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहीं पे मिक्स करूँगी और ये सर्व होने के लिए रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये बहुत अच्छा है तो आप टेस्ट करने के लिए ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं पूरे तरीके से बना ली हूँ और मैं सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। देख कर आ रहा है ना मुँह में पानी, तो बताइए कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कैसा लगा। थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब तो करिए, क्योंकि मेरा अभी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।